वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर जो फर्स्ट हमारा चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट में जो हम बीमाएं पढ़ रहे थे, बीमाओं में हमने देखा था कि जो बीमाएं मैंने जहाँ तक पढ़ा दी हैं वहाँ तक पढ़ लेना, बाकी जितने भी बीमाएं हैं जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके जो फॉर्मूले हैं वो आएंगे, उनसे हम बीमाएँ और मात्रक बनाएंगे। तो उसको वहीं पे रोकते हुए हम चैप्टर जो 3 है, सेकंड चैप्टर, विनोद जी जो गुरुजी हैं फिजिक्स के, उन्होंने शुरू कर रखा है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो 3 है वो है आपका गति की, गति की जिसको हम बोलते हैं सरल रेखा में गति। गति की जो है, देखो भौतिक विज्ञान में जो गतियाँ हैं उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। गति क्या है, गति कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है और इसको किस प्रकार से हम एनालिसिस कर सकते हैं गति को, इन सब का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गति क्या है और विराम अवस्था क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखो, विराम अवस्था किसको बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर समय के साथ स्थिर हूँ, यानी कि समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो कहलाता है विराम अवस्था। यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी कण जो है समय के साथ नियत बना रहता है, एक ही स्थान पर रहता है, स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, ऐसा जो वस्तु कण जो है वो विराम अवस्था में कहलाता है। फिर बात आती है गतिक अवस्था। गतिक अवस्था वह अवस्था है जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैं समय के साथ अगर अपनी स्थिति बदलता हूँ, तो जैसे जैसे मैं स्थिति बदलता हूँ तो समय के साथ कोई भी वस्तु कण जो अपनी स्थिति बदलता है तो ऐसा कण या वस्तु कहलाती है गतिक अवस्था में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है। विराम अवस्था में कोई भी वस्तु है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे कि समय के सापेक्ष, देखो समय कभी रुकने वाला नहीं है, समय तो चलता रहेगा, लेकिन समय के साथ अगर वस्तु स्थिर है तो वो कहलाएगा आपके पास विराम अवस्था, और समय के साथ अगर वस्तु गतिमान अवस्था में है तो कहलाएगी गतिक अवस्था। देखिए गति में हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं, फिर कुछ आगे और चर्चाएं करेंगे इसमें। विराम अवस्था की जो परिभाषा है वो अभी मैंने आपको बताई, सेम वही है कि जब किसी वस्तु की, जब कोई वस्तु है उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विराम अवस्था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गति। गति की जो परिभाषा है उसमें क्या है कि यदि जो वस्तु है कि स्थिति समय के साथ बदलती है, यानी कि समय के साथ क्या बदलती है, समय के साथ उसकी स्थिति बदलती है, कोई भी वस्तु उसकी समय के साथ स्थिति बदलती है, तो हम उस वस्तु को किस अवस्था में बोलेंगे, उस वस्तु को हम बोलते हैं गति अवस्था में। ठीक है, अब जैसे देखो गति, हम पूरे इस चैप्टर में गति के बारे में पढ़ेंगे तो गति की और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। पहले गति से पहले अब ये देखें कि गति के उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे वाहन चलते हैं, वाहन चल रहे हैं तो वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करते हैं, वो परिवर्तन करते हैं। तो वाहनों की जो गति है वो भी एक गति है, जिससे वाहन का चलना, पक्षी का उड़ना आदि, ये सभी क्या हैं, गतियाँ हैं। चाहे गति सरल रेखा में हो, चाहे वृत्ताकार पथ में हो, स्थिति परिवर्तित होनी चाहिए। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, उसी को हम बोलते हैं गति। आगे देखते हैं हम, अगला जो हमारे पास है कि इस गति को समझने के लिए एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा, निर्देश तंत्र। मैंने नीचे परिभाषा लिख रखी है, मैं इसको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ और फिर आपको समझना है निर्देश तंत्र। जो निर्देश तंत्र है उसको समझना है आपको। निर्देश तंत्र जो है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या आप पृथ्वी पे कहीं पर भी खड़े हुए हो, तो आप अपने आसपास देखते हो पेड़ पौधों को, मकान जो है वो सभी आपको क्या नज़र आते हैं, स्थिर अवस्था में नज़र आते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से पेड़ पौधे और मकान सब स्थिर नज़र आते हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति बदल कर किसी ट्रेन में या बस में बैठ जाते हैं, तो ट्रेन या बस में बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि जो आप जिस भी बस में बैठे हैं और रोड पे आप बाहर की साइड में देखते हैं तो पेड़ पौधे और मकान पीछे की साइड आपको जाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मतलब आपके सापेक्ष वो पेड़ पौधे और मकान क्या हैं, गतिमान अवस्था में,
जबकि बस में बैठे हुए व्यक्ति आपको क्या लगेंगे, स्थिर अवस्था में नजर आएंगे। जो आपके आसपास जो भी व्यक्ति बस में बैठे हुए हैं वो तो आपको स्थिर नजर आ रहे हैं, जबकि बाहर आप देखते हो तो पेड़ पौधे और मकान आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि गतिमान अवस्था में नजर आते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि भाई आप किस निर्देश तंत्र में हैं और वहाँ पर उसकी चारों तरफ की स्थिति कैसी है। जैसे आप पृथ्वी पे थे तो वहाँ पे पृथ्वी में जो निर्देश तंत्र है, पृथ्वी पे जो आप खड़े हुए थे बाहर, तो वहाँ उसका निर्देश तंत्र जो है उसके सापेक्ष आपके चारों तरफ जो स्थिति थी उसको आपने देखा, और जब आप बस में बैठते हैं तो आपने अपना निर्देश तंत्र चेंज कर दिया, तो उससे आपको आसपास की चीज़ों में जो परिवर्तन नज़र आया वो किसकी वजह से नज़र आया, निर्देश तंत्र की वजह से, ठीक है। और अगर अपन पृथ्वी पर देखें तो सभी चीज़ें हमें क्या होता है, पहाड़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, मकान, सब स्थिर अवस्था में नज़र आते हैं। लेकिन अगर निर्देश तंत्र बदल दे, अगर हम मून पे चले जाएं, चंद्रमा पे चले जाएं और वहाँ से देखते हैं तो पूरी पृथ्वी गतिमान है, पूरी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पे भी घूम रही है, तो वहाँ से पता चलता है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। पृथ्वी पे जो भी चीज़ उपस्थित है वो सभी गतिमान है। तो इसका मतलब हमने क्या परिवर्तन कर दिया, वहाँ पे परिवर्तित किया केवल और केवल निर्देश तंत्र। इसका मतलब जो गति है उसको समझने से पहले हमें किसको समझना होगा, निर्देश तंत्र को। हर निर्देश तंत्र में जो गति है उसकी अवस्था अलग अलग होती है। जैसे हम बस में बैठते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारे आसपास जो बस में बैठे हुए लोग हैं वो स्थिर अवस्था में, लेकिन बाहर जो व्यक्ति है जिसने बस का निर्देश तंत्र छोड़कर और बाहर खड़ा है वो ये कहेगा कि बस पूरी बस गतिमान है। तो पूरी बस गतिमान है तो आप बस के अंदर है, तो इसका मतलब आप भी गति कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र की परिभाषा देख लेते हैं कि वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण या पिंड की स्थिति या गति अवस्था को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। किसी भी कण या पिंड की क्या व्यक्त करते हैं हम, किसी भी कण या पिंड की स्थिति जो है, चाहे तो स्थिति मान लीजिए या फिर बोल दीजिए गति अवस्था, स्थिति या गति अवस्था को व्यक्त करने के लिए जो हम अवस्था को व्यक्त करने के लिए जो निर्देश यूज में लेते हैं, वो उपयोग में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। ध्यान दे बेटा, निर्देश तंत्र जो है वो तीन अक्षों में होता है, एक्स, वाई और जेड, और ये कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से तीन अक्ष होते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड को हम बोलते हैं, एक्स वाई जेड को हम बोलेंगे निर्देश तंत्र। इसका मतलब इस निर्देश तंत्र में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, वस्तु, पिंड या व्यक्ति कोई भी इसमें उपस्थित है, तो इस निर्देश तंत्र में जो भी चीज़ें रहेंगी उनकी स्थिति हम एक निर्देश तंत्र से उसी निर्देश तंत्र में देखते हैं तो उसकी स्थिति हमें स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन अगर अपन निर्देश तंत्र चेंज कर देते हैं, अगर हम निर्देश तंत्र को चेंज कर देंगे तो हमें स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, अलग दिखाई देंगी। तो मान लीजिए ये निर्देश तंत्र स्थिर है, और दूसरा जो एक और निर्देश तंत्र ले लेते हैं, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो अगर मान लीजिए ये निर्देश तंत्र गति अवस्था में है, तो इसमें मान लीजिए इस निर्देश तंत्र, जैसे मैंने आपको कहा था बस जो है, बस क्या थी, वो जो निर्देश तंत्र था वो गति अवस्था में था, बस का जो, बस की जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार जो निर्देश तंत्र है वो गति अवस्था में था। तो इस निर्देश तंत्र में, गति वाले निर्देश तंत्र में जो भी व्यक्ति रहेंगे वो सारे व्यक्ति आपको क्या नज़र आएंगे, वो तो आपको स्थिर नज़र आएंगे। और जो बाहर ये स्थिर जो निर्देश तंत्र था इसमें उपस्थित जो भी व्यक्ति हैं वह व्यक्ति आपको क्या नज़र आएंगे, वो व्यक्ति आपको गतिमान अवस्था में नज़र आएंगे। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये निर्देश तंत्र तो पहले ही स्थिर है, तो इसका मतलब ये स्थिर होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब गति जो है वो किस पर निर्भर करती है, निर्देश तंत्रों पर निर्भर करती है, ठीक है। जो वीडियो है हमारा आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी वीडियो हमारे RCI के हैं उन सभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।